ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक समिट 2022 में यहाँ पर मौजूद है पूरे दुनिया के लॉजिस्टिक कंपनी के और साउथ एपी मलर मार्क्स के साउथ एशिया मैनेजमेंट के डायरेक्टर विकास अग्रवाल जी एमेज़न के डायरेक्टर अभिनव सिंह जी नेशनल हाईवेज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के सीईओ प्रकाश गौर जी यहाँ पर मौजूद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर नंद्रू श्रीनिवास जी ई के निदेशक श्री मनोज नायर जी यहाँ पर पेप्सिको टाटा केमिकल्स, आई टी सी कोको कोला एन के सारे प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हुए ईटीएच में शामिल सब लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ कई बार मेरे लिए ये पहला मौका नहीं है जब मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ लेकिन जब मेरा तारुफ परिचय इंट्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री मिनिस्टर बिहार का तो कई लोगों को लगता है अब बिहार में कोई इंडस्ट्री है और ये सही है कि मुझे 22 साल कबल मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ कोल मिनिस्टर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 99 से 2004 तक मैंने छः मिनिस्ट्री हैंडल की है लेकिन मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी का हुक्म हुआ कि हमें बिहार जाना चाहिए और बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहिए तो हुक्म की तामील हुई है और मैं बिहार में क्योंकि बिहार के बारे में परसेप्शन ऐसा है जो जो लोग बिहार नहीं गए हैं वो भी बिहार पे एक घंटा भाषण देते जिन लोगों ने कभी बिहार देखा नहीं है वो भी बिहार के बारे में अपनी राय बना के बैठते और यही वजह है कि बिहार के बारे में जब मैं भागलपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ तब लोगों ने कहा वही भागलपुर जहां अकफड़वा कांड हुआ था जहां गंगा जल फिल्म जिस पे बनी मैंने कहा नहीं वो भागलपुर नहीं है वो चंपापुरी है जैन का सबसे बड़ा तीर्थ है वहाँ विक्रमशिला नालंदा विक्रमशिला और तक्षशिला ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें एक भागलपुर में और एक नालंदा में यानी जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की मानी जाती थी एक तो पाकिस्तान में है तक्षशिला दो हिंदुस्तान में है वो दोनों बिहार में तो हमने लोगों को कहा कि वो अंगराज कर्ण की भूमि और वहाँ विक्रमशिला भी है लेकिन परसेप्शन ये है कि जैसे भागलपुर बोलते थे लोगों को वो गंगाजल फिल्म और अकफड़वा कांड याद आता वो एक घटना हो सकती उसी तरह बिहार के बारे में जो परसेप्शन है मैं इनसे कह रहा था कि आप मुझे बुला रहे हो ये पूछेंगे कि ऐसे तो मैं बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हूँ बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जहाँ दस लोग होते हैं वहाँ मैं भी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक मेंबर हूँ पार्टी के तर्जमान के तौर पर आपने मुझे कई बार देखा होगा लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी जो है वो इंडस्ट्री मिनिस्टर की है और इसलिए मैं अगर आपको कहूँ कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस प्रदेश में आया तो आपको ताजुब होगा वो बिहार इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोज़ल आए करोना टाइम वो करीब तीस हज़ार करोड़ के आए कोई स्टेट ये नहीं लिख पाया कि करोना काल में हम सबसे आगे क्योंकि बिहार आगे था उसी तरह आज हमने बिहार के अंदर जाते ही क्योंकि नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं और मैं पाँच साल उनके साथ है, सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में साथ काम किया है तो उनका यकीन है उनका विश्वास है और उसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि लॉजिस्टिक में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं दो चार बातें रखना चाहता हूँ कि बिहार के बारे में अगर आप स्ट्रेटजिक लोकेशन देखें आप आबादी बिहार के करीब चौदह करोड़ है थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है और हमने जब जिम्मा संभाला तो हमने कहा कि आप लोगों को आपने सुना था ना एक बार गुजरात के बारे में चर्चा थी कि बहुत सिटी गंदी है लोग टूरिस्ट नहीं जाते सूरत में प्लेग हो जाता है ऐसा प्रसप्शन था लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो आज के हैं उस वक्त वहाँ के सी थे तो उन्होंने गुजरात पर एक राय बनाई थी और एक ऐड भी बनाया था अमिताभ बच्चन कहते थे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में तो हमने लोगों से कहा कि हमारा स्टेट तो बहुत रिच स्टेट नहीं हमने कहा कि हम कोई फिल्म वाले को बुलाएंगे एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसा देंगे फिल्म बनाएंगे उसकी जगह मुझे भी लोग जानते हैं तो चलिए मैं ही कर लेता हूँ तो मैंने कहा सिर्फ राय मत बनाइए एक बार तो आइए बिहार में क्या आप एक बार आकर देखिए आपको परसेप्शन लगता होगा कि जो बिहार के लोग हैं मजदूर दिखते होंगे कई बार आप जानिए आज हर तीसरा डीएमएसपी बिहारी है बात ध्यान रखिएगा यूपीएससी में आप जीएसटी में जाते हैं आप आईटी में जाते हैं आपको हर दूसरा ऑफिसर बिहारी मिलेगा सर्च में भी जो लोग आएंगे सेठ जी लोगों के यहाँ उसमें भी अगर आठ लोगों की टीम आएगी तो कम से कम तीन बिहार के ऑफिसर आएंगे तो बैकग्राउंड जो है बिहार का क्योंकि हमारे यहाँ परसेप्शन अलग बना है हम भग भगवान महावीर की जन्म भूमि के हम गुरु गोविंद सिंह की जन्म भूमि के गौतम बुद्ध को ज्ञान भी वहीं मिला था आपको भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो बिहार आइए क्योंकि अगर गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान मिला तो आपको भी ज्ञान ज़रूर मिलेगा यानी ज्ञान में डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम कहते थे नॉलेज की कोई सीमा नहीं हम लोग कई बार डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने मास्टर कर लिया एम कर लिया पी कर लिया जो हम जानते हैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता ये गलत फमी नेताओं को बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों को किसी विषय पर खड़ा कर देंगे कई बार इकोनॉमिक विषय पर मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन जब बजट आता है तो टीवी डिबेट पे मैं बैठता हूँ आठ आठ घंटा बैठ तो मेरी मिसेस पूछती हैं कि आपने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं आप ये घंटे डिबेट कैसे कर रहे हैं मैंने कहा हम पॉलिटिशियन हैं हमें सब आता है यानी हमें ये एक्सपीरियंस से आता है। हमारे कई दोस्त हैं जो अपने बैच के टॉपर रहे प्रोफेसर हैं मान लीजिए वो उर्दू में अगर उन्होंने पीएचडी कर ली तो ऐसा थोड़ी इकोनॉमिक्स के बारे में ए पी सी या उनको आता होगा लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं और जब कहीं इंट्रोडक्शन होता है तो उनके इंट्रोडक्शन में दस डिग्रियाँ होती हैं कई बार लोग सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हैं तो कहते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड से करके आए चाहे वो एक साल के लिए गए हों लेकिन उनकी वो पुरानी परिचय जो है उनका वो जब सी उनकी आती है तो पहला लाइन यही लिखा होता है कि हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में वो अगर ट्रेनिंग के लिए भी गए हों तो लिख देते हैं कि वो इतने दिन के लिए वहाँ गए थे तो प्रसप्शन का सवाल है। अब प्रसप्शन ये है कि आज हमने ई e को बुलाया और उनको कहा कि बिहार के बारे में प्रसप्शन को पहले बदलना और प्रसप्शन ये बदलना है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा माहौल है एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और एक इंडस्ट्री मिनिस्टर है जो भारत सरकार में 22 साल पहले यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा है और उसने वाजपेयी जी के साथ काम किया है तो हमें वो अनुभव है कि हम आपको बिहार के अंदर वो माहौल दे सकते हैं जिसके बारे में आपकी राय अलग होगी और इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया आज जब पाँच ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात हो रही है तो बिना एक चौदह करोड़ आबादी अगर एकदम उपेक्षित रह जाएगी तो वो खाब पूरा नहीं हो सकता इसलिए हमने इथ्नॉल पॉलिसी बनाई ग्रेन बेस इथेनॉल पूरी इकोनॉमी हमारी पेट्रोल डीजल पे टिकी होती और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ख्वाब देखा कि हम सबसे अच्छी पॉलिसी हम बनाएंगे उन्होंने बनाई और बिहार पहला स्टेट बना जिसमें इथेनॉल पॉलिसी बनी हमारे यहाँ करीब थर्टी थाउजेंड करोड़ के प्रपोजल आए क्योंकि पहला स्टेट है जहाँ तीन फसल होती है यानी मक्का पैंतीस लाख मेट्रिक टन कहीं होता है तो बिहार में होता है और वहीं से सब जगह जाता है हमें थोड़ा कोटा कम मिला लेकिन आज भी सत्रह इथेनॉल प्लांट बन रहा है पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट बनाने वाला पहला राज्य बिहार बना जिसको हमने इनोग्रेट किया और अभी चाइना के बाद सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बनकर कहाँ तैयार है वो बिहार में तैयार है पाँच लाख लीटर रोज़ का तो हम देश की इकोनॉमी में मदद करने वाले हमने देखा कि जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था वाजपेयी जी के साथ तो उस वक्त कोटा सिस्टम ख़त्म हो रहा था आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आप सूट और शर्ट पहन के बैठे हैं आप अगर वो इंडियन कंपनी के भी हो तो वो बांग्लादेश में बनते हमारे कई लोग जाकर बांग्लादेश में उन चीज़ों को बनाते हैं हम लोगों ने जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था मैंने पहले ही सरकार में बातचीत किया था कि अगर हमने ठीक से इस पर काम नहीं किया तो कोटा सिस्टम ख़त्म हो रहा है कई मुल्क आगे आ जाएंगे और उस वक्त बघेला जी आए और उस पर उनके वक्त में तो एन की जो मिल थी जिस पर रियल एस्टेट मुंबई में बन गया ज़्यादा समय उसी में लग गया उन लोगों का कि वो मिल की ज़मीन किसको देनी है कितना बड़ा टावर बनना है टेक्सटाइल पे काम नहीं हुआ यानी उस पैसे से टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और इसके वजह से बांग्लादेश और वेतनाम हमसे आगे निकले लेकिन बांग्लादेश और वेतनाम क्यों आगे निकले क्योंकि वहाँ लेबर है वहाँ कोई बहुत लाल झंडे वाले भी लोग नहीं वहाँ कोई दिक्कत दुशारी नहीं तो वो वहाँ पे काम करने वाली कंपनीज़ को चाहे वो इंडियन कंपनीज़ हो उसको बहुत आसानी और उसको मैच कौन कर सकता है बांग्लादेश को अगर आपको टक्कर देना है तो सिर्फ बिहार के कंधे पर आप बांग्लादेश को टक्कर दे सकते हैं क्योंकि जो स्किल्ड लेबर है टेक्सटाइल में वो बिहार में सूरत चले जाएँ छल चले जाएँ त्रिपुर चले जाएँ कहीं आप जाएँ 63 परसेंट जो वर्कर है टेक्सटाइल के वो बिहार के तो हम लोगों ने नई टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बनाई है जिसमें 10 करोड़ कैपिटल्स सब्सिडी दी है इंटरेस्ट में टेन परसेंट सब्सिडी दी है पर एम्प्लाई अगर कोई रखता है तो उसको अगर वो फिफ्टीन थाउजेंड देता है तो फाइव थाउजेंड सब्सिडी हम उसमें दे रहे हैं और लोग कहते हैं कि हमारे पास समुंदर नहीं लेकिन हिमालय हमारे नज़दीक है तो हमारा हौसला हिमालय से ऊँचा है इसलिए हमने फ्रेट सब्सिडी भी दी अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा तो लॉजिस्टिक में उसको हम पोर्ट तक जाने का जो रेंट होगा वो बिहार सरकार अप टू टेन लैक्स उसमें देगी तो हमने ये कोशिश की और इसलिए हम कहते हैं कि बिहार का स्ट्रेटजिक लोकेशन देखें खासकर जो लोग लॉजिस्टिक में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप बिहार आते हैं तो पूरा नेपाल मिलता है पूरा जो दो कॉरिडोर जो बन रहा है लॉजिस्टिक वाले अच्छे से जानते होंगे उसको जो सार्क कॉरिडोर बन रहा है आप जाएँ काकर नेपाल से सिलीगोड़ी पानी टंकी होते हुए बांग्लादेश काकर काकरभिट्टा से सिल्लीगोड़ी होते हुए वर्मा यानी आप वर्मा से जुड़ते हैं तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया उधर आप जुड़ जाते हैं बाई रोड उस पर काम हो रहा है और वो बिहार के बगल से गुजरता है पूरा नॉर्थ बंगाल का इलाका सिल्लीगोड़ी मालदा ये जो पूरा नॉर्थ बंगाल का इलाका है दार्जिलिंग से लेकर वो पूरा इलाका उससे जुड़ता है पूरा अगर आप चले जाएंगे पूरब की तरफ तो पूरा ईस्टर्न यूपी जो गोरखपुर का इलाका देवरिया का इलाका वो जुड़ता है जहाँ कुशीनगर एयरपोर्ट बना है उससे हमारा बॉर्डर वहाँ बतिया गोपालगंज चंपारण का इलाका जुड़ता है और नीचे हम एक लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं गया में अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पर हम दो एकड़ का हम वहाँ पर पार्क बना रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है मैं नाम नहीं ले रहा हूँ नज़र लग जाती पहले बताना नहीं लोग कल्पना नहीं करते लोग सोचते नहीं अभी हमने तय किया कि बिहार लोग कैसे आएंगे हमारे पास पहले लैंड की दिक्कत थी क्योंकि जो फसल का स्टेट है जैसे हरियाणा में आप जाएंगे लैंड एक्वायर करने तो वो आसान काम नहीं राजस्थान में थोड़ा आसान होगा क्योंकि जहाँ फसल नहीं होती वहाँ आसान होगा बिहार में क्योंकि फसल इतनी होती है पानी वाटर लेवल जो है पहले जो हमारे लिए अभिशाप था पानी वो आज हमारे लिए वरदान बना है क्योंकि पानी का जो वाटर लेवल है वो सबसे अच्छा बिहार के अंदर अगर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट देखेंगे तो गया को छोड़कर पूरा बिहार ग्रीन जोन के अंदर इसलिए सब लोग इथेनॉल में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे लेदर और टेक्सटाइल में हमने तय किया है कि करीब पंद्रह लाख स्क्वायर फिट हम बना रहे हैं चंपारण के अंदर तीन लाख स्क्वायर फिट भागलपुर के अंदर हाजीपुर के अंदर पटना के अंदर यानी हम प्लग एंड प्ले बना कर दे रहे हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे उनको हम पूरी फैसिलिटी बनाकर वहाँ पे देंगे तो जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनको मान लीजिए वो पाँच हज़ार मशीन लेकर आते हैं हम उनको जगह दे देंगे और स्किल्ड लेबर भी हम देंगे तो जो बिहार के मज़दूर बिहार की कमज़ोरी माने जाते थे उसको हमने चुनौती को अवसर में बदला है उसको अपनी ताकत बनाई क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का दिल भी बहुत टूटा है पंद्रह दिन तो लोगों ने बहुत अच्छा खिलाया पिलाया अपने मज़दूरों को एक से एक खाना खिलाया और पंद्रह दिन के बाद कई मालिकों ने एयरप्लेन मोड पे अपना फ़ोन डाल दिए तो लोग पैदल वहाँ से चले तो जो लोग काम करने जाते हैं वो मेहनत कश और हिंदुस्तान में जब आज़ादी मिली तो किसी को भी कहीं काम करने का अधिकार है अगर हैदराबाद और बेंगलोर के बच्चों को सिलिकॉन वैल वैली में जाकर काम करने का अधिकार है तो बिहार के बच्चों को भी बेंगलोर में काम करने का अपने मुल्क में भी अधिकार वो तो हक है कोई कहीं भी जो स्किल्ड होगा उसकी हर जगह इज्जत होगी उसका काम मिलेगा लेकिन स्किल्ड लेबर अब बिहार के अंदर है तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने जो अभी कोशिश की है जैसे हमने आपको बताया कि हमारा जो बिहार का टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी है मैं इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए क्योंकि आज असम्बली शुरू हो रही है आज बिहार विधानसभा का पहला दिन है और इंडस्ट्री मिनिस्टर असम्बली में नहीं होकर आपके असम्बली में आकर खड़ा है तो हमने बड़ी इनकी जिद इतनी थी इतनी मोहब्बत से बुलाया कि मैंने फिर सीएम साहब से कहा कि हमें जो है थोड़ा वक्त चाहिए तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर इतना बड़ा फोरम है और वो आपको बुला रहे हैं और तो आपको ज़रूर जाना चाहिए तो मैंने आज असम्बली स्किप की है आपके इस कार्यक्रम के लिए और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें टेक्सटाइल और लेदर का बड़ा कॉन्फ्रेंस हमने किया हम इसको और करने वाले इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स हमें एक तारीख को कलकत्ता में बुला रहा है जहाँ इंडस्ट्री के बड़े लोग उसके अंदर आने वाले फिर हम सूरत जाने वाले हैं मुंबई जाने वाले हैं हमें इनविटेशन कई मुल्कों से मिल रहे हैं शायद मैं आठ से पंद्रह तक लंदन में एक अच्छा सबमिट करूंगा क्योंकि वहाँ भी कई बिहारी हैं आपको पता होगा अनिल अग्रवाल जो हैं वो भी बिहारी हैं ये मालूम है कि नहीं आपको इंडस्ट्री में ये डनलब वाले रुयाज ये सब बिहार की इनका बचपन पूरा बिहार में बीता अनिल अग्रवाल तो बहुत दिन तक बिहार में ही रहते थे उनकी पढ़ाई लिखाई उनका टेंथ ट्वेल्थ कॉलेज सब बिहार से हुआ है लेकिन वो लोग आज बिहार से जो बाहर है फार्मेसी में बहुत से लोग जो बड़ी कंपनीज़ है फार्मेटिकल की फार्मेसी की उसमें बहुत से बिहार के लोग हैं तो हमने लोगों से कहा है कि अभी लॉजिस्टिक वालों के लिए बिहार एक अच्छी जगह है क्योंकि बिहार को कुछ लोगों ने गुडान बनाना चाहे लेकिन मैंने सोचा है कि मैं गुडान बनने नहीं दूंगा मैंने कहा सिर्फ बेचिए नहीं बनाइए भी बिहार में क्योंकि लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जैसे एक फर्नीचर की कंपनी है उसका नाम लेने से उसकी कीमत और बढ़ेगी तो मैं ऐसे फ्री में भी नाम नहीं लेने वाला लेकिन वो कंपनी वहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा फर्नीचर उसका बहुत बड़ी कंपनी वो बिहार में बेचती है। और फैक्ट्री कहाँ है उसकी महाराष्ट्र आप जानिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है जैसे बिहार की आबादी के हिसाब से देखें तो जितने मकान बन रहे हैं जो नोएडा से महंगे मकान आपको पटना में मिलें क्योंकि वहाँ जो टाइल इंडस्ट्री है पहले मोरवी से टाइल चाइना जाता था चाइना से मोरवी आता था अब मोरवी से चाइना जाता है और अब जितना चाइना जाने में टाइम लगता है उससे ज़्यादा बिहार जाने में लगता है क्योंकि बाई रोड आता है अब बाई रोड आने में आठ दिन लग जाते हैं पटना पहुंचने में सात दिन आठ दिन टाइल इंडस्ट्री वालों को तो हमने उनसे कहा कि आप एक प्लांट यहाँ बना ले और जो हमने पचपन करोड़ की आबादी बताई बिहार की कि अगर आप बिहार में इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा नेपाल का इलाका ईस्टर्न यूपी का बर्मा का बांग्लादेश का वो पूरा इलाका आप वहाँ से कवर करते हैं और आपकी टाइमिंग बहुत बचती तो हमने इसकी इसकी कोशिश की इसलिए तो हमने जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई है उसमें 10 करोड़ तक हमने उसके अंदर कैपिटल सब्सिडी दी है अस्सी लाख रुपये प्रतिवर्ष जो विद्युत शुल्क जो है यानी जो पावर में दो रुपये पावर सस्ता कर दिया है जो हमारे यहाँ अभी पावर है हम लोगों ने जो पेटेंट के लिए जो दस लाख रुपए की छूट दी है हम लोगों ने पर एम्प्लाई पाँच हज़ार रुपये दिए हमने जो दस लाख तक हर साल उनको फ्रेट की सब्सिडी दी है हम लोगों ने जो इंटरेस्ट है उसमें जो है टेन परसेंट तक दिया आजकल तो आठ नौ परसेंट में भी आपको बैंक से लोन मिल जाता है लेकिन हमने कहा अगर आप महंगा भी लेते हैं तब भी टेन परसेंट दिया है एस जी एस टी में हंड्रेड परसेंट रिवर्स दिया है उसी तरह हम लोगों ने करीब जो आप वर्कर रखेंगे उसके ट्रेनिंग के लिए पर वर्कर बीस हज़ार रुपये स्किल ट्रेनिंग के लिए उसके लिए दिया है और अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो स्टैम्प शुल्क हंड्रेड परसेंट माफ़ किया है कन्वर्जन कराते हैं तो हंड्रेड परसेंट उसको भी माफ़ किया है तो हम टेक्सटाइल का हब बनाना चाहते हैं और ये टेक्सटाइल का हब जो है वो पूरे भारत के लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर स्किल्ड लेबर भी मिलेगी और आप भी आप काम कर सकेंगे तो इस तरह की कोशिश हुई है हम लोगों ने जो यहाँ पर कोशिश की थी अभी बिहार में जब से मेरे जिम्मे ये काम मिला है तो करीब थर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ का थर्टी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी थ्री करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए अडानी ग्रुप ने पूरा लॉजिस्टिक में और फूड प्रोसेसिंग में अपनी पूरी टीम को वहाँ भेजा है हमारे इन्वेस्टर मीट में भी वो आए थे और भी कई ग्रुप है जो इसमें काम कर रहे हैं आई टी सी वहाँ पर काम कर रहा है हम मेगा फूड पार्क बना रहे हैं इस तरह की बहुत सारी कोशिशें हमारी तरफ से है मैं तो इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां पर एक अच्छी कोशिश की है हमारे यहां भी अभी मेरी बात हो रही थी कि आप बिहार में भी कोई सबमिट कर सकते हैं इन्होंने का भी लखनऊ में किया है वो बहुत ईज एंड डूइंग बिजनेस पे था इज एंड डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी है लेकिन ऊपर से नहीं है नीचे से अच्छी तो हम उसको ऊपर से अच्छी करने वाले और विदिन थ्री मंथ्स हमें हमारा टारगेट है कि टॉप टेन स्टेट में बिहार आ जाए सिंगल विंडो सिस्टम को हमने इतना मजबूत किया है आपने सुना होगा कि लोगों को हफ्ते में ज़मीन मिल गई अभी यूपी के समिट में कोई कह रहा था हमने आवर्स में दिया यानी फिफ्टीन आवर में भी लैंड दिया प्रपोजल में जिन लोगों ने वहाँ मांगा है और एकदम अच्छा फ्रेंडली माहौल हमने बनाकर वहाँ रखा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बिहार के बारे में मैं आपको जो इकोनॉमिक टाइम ये स्कीम समिट है इसके अंदर मैं आपको मधु करता हूँ दावत देता हूँ आपको वहाँ इनविटेशन देता हूँ कि बिहार आइए और हमारे यहाँ फ़्लाइट भी बहुत अच्छी लखनऊ से चार गुनी फ्लाइट हमारे यहाँ से उड़ती पटना से लेकिन शाम में जो लोग शाम वाले हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हमारा ड्राई स्टेट तो लेकिन फ़्लाइट आपको दिल्ली आने के लिए साढ़े नौ बजे तक मिलती छः बजे सात बजे आठ बजे नौ बजे जितनी फ़्लाइट दिल्ली मुंबई की नहीं होगी उससे ज़्यादा दिल्ली पटना की फ़्लाइट तो मैं इस मौके का क्योंकि अगर मैंने असम्बली छोड़ी और छोड़कर मैं आपके फंक्शन में आया तो मैं आपकी एक राय बदलना चाहता हूं कि बिहार के बारे में जो भी राय बनानी हो परफॉर्मेंस पे जाए क्या आप सोच सकते हैं कि एमएसएमई में हमारी रैंकिंग क्या होगी क्योंकि अब तो ढाई सौ करोड़ तक एम एस एम ई में गिना जाता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई बता सकता है कि अभी बिहार की रैंकिंग भारत सरकार ने क्या कर दी अभी जो एम का अवार्ड होना है जो प्रधानमंत्री के हाथों से बटना है उसमें बिहार को कोई अवार्ड मिल सकता है क्या आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एम एस एम ई में जो एवार्ड है वो सेकंड प्राइज़ इस बार बिहार को मिल रहा है अब कितने स्टेट हैं सेकंड प्राइज़ हमें मिल रहा है तो हमने ये एक साल का है यानी हमें मेरी पार्टी ने जब भी कोई काम दिया है हमारी पार्टी ने शुरू में मुझे कहा कि जब मैं 28 साल का था तो मेरी पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज और वहाँ कमल खिलाओ जहाँ सत्तर फीसदी मुस्लिम आबादी थी और मैं वहाँ गया और तस्लिमुद्दीन बाहुबली थे उनको हरा कर पार्लियामेंट में आए मेरी मैं लॉन मुस्लिम एम पी फ्रॉम बीजेपी तीन टर्म लगातार तीन टर्म जीत के पार्लियामेंट में पहुँचा मेरी पार्टी ने मुझे कहा जाओ भागलपुर जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा बड़ा हुआ वहाँ मैंने मोहब्बत के फूल खिलाए मेरी पार्टी ने मुझे कहा जाओ कश्मीर और वहाँ कमल खिलाओ पहली बार कश्मीर में बी चुनाव में हम इंचार्ज थे वहाँ जीत कर आए अब मेरी पार्टी ने और मेरे नेता मोदी जी ने कहा जाओ बिहार उद्योग लगा के दिखाओ तो इन मैं उसमें भी कामयाब होकर दिखाऊंगा और प्राइम मिनिस्टर की उम्मीद पे खड़ा उतरूँगा आपने मुझे यहाँ बुलाया मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पास आज थोड़ी वक्त की कमी है मैंने कहा है कि मैं मुश्किल से आया हूँ लेकिन मुझे बहुत खुशी है दस लाख लोगों को एड्रेस करना और 200 लोगों को जो समझदार हों उनके बीच में बोलना वो मेरे लिए बराबर है आपसे बात करना और इतनी अच्छी गैदरिंग में अपनी बात रखने का मौका इन्होंने दिया मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जय हिंद